कह रहा है जिस उम्र में इनको मतलब खेलना कूदना होता था, कोई आदमी सोचता है कि इस उम्र में अभी हम शुरुआत करेंगे, उस उम्र में जॉन किट्स जो थे पूरे वर्ल्ड लेवल पर जाने जाते थे। ऑल टू आटमन तो इनका एक कविता है, इसके अलावा बहुत सारी कहानियाँ लिखें, नोबेल लिखे। विलियम बर्ड्सवर्थ ने इनका पूरा चर्चा किया है, विलियम बर्ड्सवर्थ भी बोले कि नहीं ये कवि बहुत शानदार कवि हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। सारे जितने बड़े कवि रह चुके हैं इंग्लैंड के, अन्य देशों के, जिन्होंने भी जॉन किट्स के बारे में जाना, उनकी कविताओं को पढ़ा, बोला इस उम्र में इतना बढ़िया लेखन शैली इसका है, तो ये बहुत बढ़िया कवि माना गया। अब देखिए ये पतझड़, ये कहानी चूँकि ये इंग्लैंड के हैं तो इंग्लैंड में देखिए मौसम, हम पहले दसवां में पढ़ाए थे कि भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर की एक चैप्टर था। पूरे भारत में एकमात्र देश, पूरे विश्व में एकमात्र देश हमारा कौन है, इंडिया, जहाँ चार ऋतुएँ पाई जाती है, वरना लगभग देशों में दो या तीन ऋतुएँ पाई जाती है, या तो खूब गर्मी पड़ेगा और नहीं तो खूब ठंडा होगा। इंग्लैंड में ठंडा ज़्यादा होता है इसलिए गोरे लोग ज़्यादा होते हैं, अमेरिका ठंडा प्रदेश है इसलिए लोग वहाँ गोरे होते हैं, आप श्रीलंका चले जाइए आपको काले लोग मिलेंगे क्योंकि वो गर्म जगह है, आप चले जाइए अफ्रीका, चले जाइए अफ्रीका बहुत गर्म प्रदेश है, वहाँ पर काले लोग मिलेंगे। तो ये गर्मी से रिलेटेड होता है, कलर जो होता है ये गर्मी के कारण होता है। भारत के लोग जो होते हैं वो हम लोग समशीतोष्ण जलवायु में हैं, गर्मी भी है और ठंडा भी है, काले गोरे सांवले हर प्रकार के लोग यहाँ मिश्रण मिलते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज चले जाइए तो सिर्फ काले काले लोग आपको मिलेंगे क्योंकि पूरे गर्म जलवायु है, गोरा बहुत मुश्किल से मिलता है वहाँ लोग, वहाँ वही है ये है। तो जॉन किट्स ने बताया कि देखिए जब ठंडा ख़त्म होता है और गर्मी आता है इसके बीच में एक सीजन है, इस सीजन का नाम इन्होंने दिया है ऑटमन। क्या दिया है? ऑटमन, पतझड़ का मौसम, कहीं कहीं इसे बसंत भी कहते हैं, लेकिन ये बसंत इसको जॉन किट्स नहीं मानते हैं, ये अलग ही मौसम मानते हैं, थोड़ा ठंडा वाला मौसम मानते हैं। और ठंडा में आप देखिएगा फूल बहुत ज़्यादा खिलता है, गेंदा का, चमेली का, आप देखिएगा बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं ठंडे के मौसम में, तो ये इसलिए ये मौसम का नाम ऑटमन रखा है। अब देखिए कविता को हम लोग शुरू करते हैं, कविता में पहला लाइन कह रहा है, देखिए यहाँ सूर्य है, इसको सूर्य मानिए, और ये हमारा क्या है, पेड़ है, और पेड़ में देखिए क्या लटके हैं, फल लदे हुए हैं। तो कह रहा है क्या, ये वो सीजन है, ये वो मौसम है जिस मौसम में सीजन ऑफ मिस्ट, धुंध रहता है, मतलब हल्का अभी ठंडा भी मौसम है, यानी विंटर सीजन की भी चर्चा कर रहा है। धुंध यानी जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोहरा, और उतना नहीं समझ में आता है तो देहाती में वगैरह क्या कहते हैं, कुहासा, अंग्रेजी में फॉग भी कहते हैं, नहीं क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है, नहीं प्रचार आता है, क्या चल रहा है इस बार, तो फॉग चल रहा है, खूब प्रचार हुआ है फॉग का इसी मार्फत से और खूब बिक्री हुआ है फॉग का। तो कह रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ये जो मौसम है ये मौसम धुंध का है, ये मौसम कोहरा का है, और ये मौसम फलों के फल लदने का मौसम है। क्या था सर बोलिए, आए बोलिए ना, क्या काम है, बोलिए, कौन बोला, हाँ तो चढ़ा दे भैया, तो हम तो कह लिए अगला बार जहिया से आइएगा जमा करे ले, जैसे बार बार कटिंग करना ठीक नहीं लगता है, उसे में एक ऐड कर देंगे, तो हम बोल ही दिए थे उनको भारत में जरिए, ना हम लोग भागे वाला आदमी है, अरे मिस से हो गया वो और कोई बात थोड़ी है, हम तो बोले अगला बार आइएगा तो एक बार ऐड करके चढ़ा देंगे। चालू खाता में जमा करो, अगर निकाले के लिए की प्रोसेस करें? कुछ नहीं, चालू खाता जा है आपका, वो फॉर्म दीजिए, निकासी फॉर्म साइन कीजिए, निकल जाएगा तुरंत, खाता लेकर आइएगा निकल जाएगा। देखिए जी, तो ये जो मौसम है ये धुंध का है, कोहरा का है, फलों वाला मौसम है। इस सीजन में देखिए ठंडा जगह में सेब ज़्यादा होता है, कश्मीर उश्मीर में होता है कि नहीं होता है, तो ये फलों वाला मौसम है, ऐसा मौसम है। क्लोज बॉजम, क्लोज बॉजम फ्रेंड बोलते हैं एकदम जिगरी दोस्त को, नहीं बोलता है जिगरी दोस्त, उसको बोलते हैं क्लोज बॉजम फ्रेंड्स। ऑफ द मैचुरिंग सन, कह रहा है कि ये दोस्त है, किसका दोस्त है, सूर्य का दोस्त है, कौन दोस्त है, ये मौसम ऑटोमन,
ऑटोमन किसका दोस्त है? रे लड़की, सूर्य का दोस्त है। और कैसा दोस्त है? जिगरी दोस्त है। और मैच्योरिंग मतलब होता है परिपक्व। हम पहले बोले कि आप लोग अभी मैच्योर्ड नहीं हुए हैं, जब आपकी उम्र लगभग 25 क्रॉस कर जाएंगे तब आप में परिपक्वता आ जाती है। परिपक्वता का मतलब होता है आप कोई भी चीज़ अब सोचेंगे ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सोचेंगे। अभी क्या होता है, ज़्यादातर लोग खाली अपने मन का सुनते हैं, उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में अभी आप सोचते नहीं हैं। ये वो उम्र है 18 से 25 का। अक्सर हम क्या बोले, लड़के और लड़कियां जो भागते हैं 18 से 25 में, उसका परिणाम नहीं सोचते हैं कि आगे होगा क्या, भाग जाता है। और 25 के बाद उससे पूछो क्या है तो नहीं, बहुत बड़ा गलती हो गया, पछता रहे हैं, है ना। बहुत लोग हैं, हम बताए थे वो कहानी कौआ कोल का, पूजा स्वीट्स वाले जिसके यहाँ केक लाते हो, नहीं लाते हो, तो वो मुस्लिम वो लड़की जो है वो, हम बोले कि एक बार जैसे अभी वीडियो बनाए ना, क्या बोलते हैं, अरे इसमें रे अरुणिमा पर, कहानी अरुणिमा की अभी बनाए ना, देखे हो? देख तुम लोग नहीं देखी हो, हाँ तुम लोग बेवकूफ है, देखिए रे, तो देखिए कायन देखी। अब वीडियो का भी सवाल जवाब करेंगे, पीटेंगे 5 दिन, ने रुको तुम लोग वीडियो नहीं देखती है। तो वीडियो बनाए तो हम बोले ये विक्की भाई तुम पर भी एक कहानी बन सकता है, विक्की नाम है। बोला पर कौन कहानी हो? कल ये कि मोबाइल से सफ़र शुरू हुआ, मैंने एक प्रेम की कहानी, मतलब क्या ऐसा फ़ोन पे प्रेम की कहानी ऐसा बना देंगे टाइटल, या प्रेम कहानी का सफ़र, या पूजा की प्रेम कहानी ऐसे बना देंगे, है ना। तो बोला क्यों करम कर्मी तो की कब बतेबो कि कैसे तुम फ़ोन पे बतियाया। अब फ़ोन पे इन लोग का बात कैसा, सिर्फ तुम वाला फिल्म था, सिर्फ तुम देखे हो जिसमें खाली मैंने लेटरे आदान प्रदान होता है एक दूसरे का चेहरा। तो शुरुआत में कई दिनों तक इन लोग का खाली फोने पे बात हुआ, उसके बाद लगता है बीच में कभी देखा देखी मिला होगा, अलग बात है। इसके बाद दूसरा तीसरा मुलाकात में तो लड़की बोली कि हम निकल गए हैं, तुमको चलना है कि नहीं चलना है? ये बोला यार हम तो फंस गए बुरा हाल में। तो बोला कि अच्छा रुको हम चलते हैं। तो बोला कि कहाँ हो? तो बताइए अपना जो जगह था वहाँ पर गया अपना, ये सोचा कि समझा बुझा के भेज देंगे। लड़की बोली कि तुमको घर जाना है तो जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। ये तो फंस गया फेरा में बेचारा, कहा चलो। फिर शादी ब्याह किया, चला गया साउथ में, वहाँ 1-2 साल रहा, एक आध दो बच्चे हो गए जब, तो परिवार वाले को भी लगा कि चलो भाई आप अपना लो कोई बात नहीं। और वो लड़की पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों में ढल गई, बढ़िया से एकदम पूरा एकदम हिंदू रीति रिवाज को मानती है बढ़िया से, तो अपना वो करने लगी। तो हम बोले कि देखो यही कहानी तुम्हारा हम बताएंगे कि प्रेम की कहानी। तो कल के काम को 2-3 को गाड़ी भी दिया, बोला अभी मारबो करबो कर ऐसा वीडियो तो बने नहीं, तो आ देखो बोल दिए, अब वीडियो वगैरह दिखा दो, कल देख तेरा बोल दो। तो चिढ़ाते हैं उसको, तो हम लोग बोलते आए हो कभी मजाक बोलते जब, अब देखो दोस्त की घर वाली तो भोजा लगेगी, तो मान लिया जाए मजाक तो कर ही सकते हैं, या उसी को बोलते हैं। आप जानते हैं कि वो दूसरे रिलीजन से थी लेकिन हमारे रिलीजन में आ गई है, और तो हमारे है कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर, कभी नमाज वमाज पढ़ लो कि नहीं पढ़ लो, कभी देख नहीं बोलना है ना, कभी नहीं पढ़ती है, बोले पढ़ो तो देखो ना होती, तो गर्म हो जाता है थोड़ा सा। तो ये चीज़ है, आइए। तो दोस्त बोलते हैं मैच्योरिंग मतलब हो गया परिपक्वता। तो उम्र जब कम रहेगा तो आप परिपक्व नहीं रहेंगे, और 25 के बाद जब आप सोचेंगे ना तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों बात सोचेंगे, तब आप कोई भी कदम उठाने से पहले आपको डर लगेगा करे कि नहीं करे। अभी आप रोड पर चलते हैं, सिंपल सी बात आपको बताते हैं, आप कोई अगर बदमाशी गलती भी करते हैं तो लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन तुमसे जाने से घर से जाने से पहले या शाम तक तुम्हारे घर में यह खबर आ जाता है कि फलना की बेटी ऐसे बोल रही थी या लड़ रही थी या कोई बात हुआ कोई घटना हुआ किसी बतिया रही थी, कोई भी बात तुम्हारे घर तक पहुँच जाएगा। तुमको पहचानने वाले हजारों लोग हैं, तुमको सिर्फ लगता है कि रोड पे हमको चल रहे हैं तो हमको कोई देख नहीं रहा है कि हम किसी से बतिया रहे हैं किसी से बोल रहे हैं, हम फ़ोन पे बतियेले जा रहे हैं। जब फ़ोन पे लड़कियां रोड पर बतियेले हा 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 कहले जाती हैं ना, तो सब गौर करता है कि कर बेटी है ये, जब रोड पर संजा है बजरिया जब जाए तो फ़ोन में बतियेले जाए हंस ले जाए, ये पढ़ेला वो एक बतिया, ये बातें उठती है ये जान जाइए। आपको उसको भले लग रहा है दूध बाजार में मेरा केस छीन रहा है, नमादा थोड़ी है रे गाँव है, यहाँ तो और चेहरबास मिला लेते हो कि फलनवा बेटिया है,
ऐसे जज कर लेता है लोग, गांव देहात के सारे लोग पहचानते ही लगभग। तो ये चीज़ें आप समझिए कि आप मत सोचिए कि हमको कोई नहीं पहचान रहा है, आप चल रहे हैं ना, सारे लोग आपको पहचान रहे हैं, आप सिर्फ भ्रम में जी रहे हैं। ये कब होता है? 18 से 25 के बीच में, 25 के बाद आप रोड पर चलिएगा ना तो सोचिएगा कि बोल रहे हैं, कोई सुन तो नहीं रहा है, कोई कुछ बोल तो नहीं देगा, बहुत कुछ डर लगता है। आइए, करा कंस्पायरिंग मतलब षड्यंत्र करना। कंस्पायर का मतलब क्या होता है? षड्यंत्र करना। विथ हिम हाउ लोड एंड ब्लेस, करा सूर्य और मौसम, सूर्य और ऑटमन, आवाज नहीं, दोनों ये षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे हम इस पेड़ को पूरा लोड कर दे, यानी फलों से भर दे, आशीर्वाद दे दे इसको, एकदम पूरा हरा भरा, पूरा फल फूल इसमें हो जाए। विद द फ्रूट वाइन्स, वाइन्स का मतलब लता होता है, राउंड द थैच एवेस रन, कह रहा है कि हम ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, खूब लताएं बढ़ जाए, खूब फल फूल खिल जाए, है ना, पूरा एकदम चारों तरफ से एकदम भर जाए। देखिए दिया हुआ है फ्रूटफुलनेस, मतलब एबुडेंस, एबुडेंस का मतलब होता है प्रचुरता में, खूब मात्रा में, है ना, ये इसका मीनिंग होता है। तो कह रहा है कि सूर्य इस पूरे पंक्ति में आप देखिए, ऑटमन की चर्चा की गई है और ऑटमन की दोस्त बताया गया है सूर्य को, और सूर्य जो दोस्त है और ऑटमन जो दोस्त है, दोनों मिलकर ये पेड़ों के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं, प्लान रच रहे हैं कि हम इस पेड़ को कैसे फूलों से फलों से क्या करें, भर दें। दूसरे पारक, करा द बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, करा है कि बेंड का मतलब होता है झुका देना, बेंड का मतलब करा इतना हम फल फूल से भर दें, इतना भर दे कि वो अपने आप क्या हो जाए, जब किसी भी पेड़ पौधे में फल लदेंगे भार बढ़ेगा तो वो झुकेगा ना। कहता है कि जो फला हुआ पौधा रहता है ना वो नबा हुआ रहता है, अकड़ तो ताड़ में होता है जिसमें कुछ होबे नहीं करता है, साल में एक बार फल न, ताड़ नियर अकड़ ले रहिएगा इसका मतलब आप में फल नहीं है, फल जिसमें रहता है ना वो डाउन भी रहता है ना, जरूरत पर टाइट भी रहता है, लेकिन अकड़ने वाला व्यक्ति हमेशा कहता है जिसके पास कुछ नहीं ना वो अकड़ता ज़्यादा है, और जिसके पास बहुत कुछ है ना वो नब के रहता है, झुक के रहता है। तो कह रहा है फील ऑल फ्रूट विथ रिपनेस द कोर, कोर का मतलब होता है भीतरी भाग, और रिपनेस का मतलब होता है पका हुआ, पकाना। कह रहा इस पौधे के इस फल को हम अंदर तक एकदम भीतरी तक क्या करें, पका भी दें, पहले तो लोड कर दे, पूरा फूल कर दे पेड़ को, इसके बाद एकदम भीतर तक एकदम उसको क्या कर दे, पका दे। टू स्वेल द गॉड, गॉड की चर्चा पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बुद्धेदार फल है ना, फल की उसको स्वेल मतलब फुला दे, प्लम्प, मेक फ्लेसी फैट, ज़्यादा मोटा कर दे, ज़्यादा बड़ा कर दे, है ना। हैजल सेल्स, हैजल सेल्स, सेल्स बोलते हैं एक प्रकार का आपका नट्स होता है खाने वाला, है ना, तो कह रहा उसको एकदम हम बड़ा कर दे, आकार बना दे। कौन ये प्लान करता है? सूर्य। और कौन प्लान करता है? और कौन? ऑटमन। ये दोनों एक ऐसा सीजन है, समझिए ऑटमन एक ऐसा सीजन है, इसको बोलिए फलों वाला सीजन। ऑटमन का मतलब इसको शरद ऋतु भी कह सकते हो, यहाँ का इंग्लैंड का क्या है, शरद ऋतु इसको बोल सकते हो, ऑटमन एक ऐसा सीजन है। और आप देखिएगा ऑटमन अभी हम लोग का जो आएगा शरद ऋतु, तो धान क्या होगा, कट जाएगा, नहीं कटेगा, कटता ही नहीं कटता। और अभी गेंदा का फूल सबसे ज़्यादा खिलेगा, जितना ठंडा होगा ना उतना गेंदा का फूल खिलता है ना। करा विथ ए स्वीट कर्नल बडिंग एंड मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा बडिंग का मतलब होता है सीड, कर्नल का मतलब होता है बीज को, और बडिंग का मतलब होता है कली, बड मतलब कली। तो करा ज़्यादा से ज़्यादा हम बीज बना दे इसके अंदर, फलों के अंदर बीज बना दे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कली बना दे, ताकि कली से फिर फूल बन जाए, फूल से फल बन जाए, है ना। ये किसका प्लान है? ये ऑटमन का प्लान है। और किसका प्लान है? सन का प्लान है। यानी ये बता रहा है लेखक, कवि बता रहा है कि ऑटमन एक ऐसा सीजन है जो फलों वाला सीजन है। ये सूर्य जो है, देखो कोई भी चीज़ पकता कब है, बात समझिएगा, पकता तब है जब उसमें गर्मी आता है, बात समझ गए, और गर्मी देने वाला कौन है? सूर्य है, यही पकता है। आप उतना ही छोड़िए, जब घर में आम लाते हैं और कार्टून में इसको रख देते हैं और इसमें वो डाल देते हैं वो कारपेट, कार्बेट कुछ ही बोलते हैं, है ना, और डालते हैं, देखिएगा ना अम्मा निकालिएगा ना, तो गर्म नियर लगता है। तो गर्मी से चीज़ें पकती, भोजन किससे पकता है? गर्मी से, बिना गर्मी का पकेगा? तो वही चीज़ गर्मी, सूर्य गर्मी दिया और फल फूल को क्या किया, पका दिया।
ऑटोमन की चर्चा है, ऑटोमन की बड़ाई कर रहा है, ऑटोमन की अच्छाई बता रहा है और कह रहा है क्या, एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज, और इतना ज्यादा फूल पैदा कर दे, इतना ज्यादा फूल हो जाए कि मधुमक्खी एकदम मस्त हो जाए, बोले आह ये एकदम मौसम है, खूब रस पिए, कोई उसको दिक्कत ना हो। मधुमक्खियों के लिए काफी फूल बना दे, फूल लगा दे, दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, और उनको ये लगे, वार्म का मतलब होता है गर्मी, और गर्मी के दिनों में आप देखिएगा फूल उल कम मिलता है ना, उसको लगे कि ऐसा दिन लगातार रहे, ऐसा दिन कभी खत्म हो ही ना, गर्मी आए ही ना, ऐसा मधुमक्खियों को लगे और पूरा रस उसको मिलते रहे। समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और इतना वो क्लैमी सेल्स का मतलब होता है चिपचिपा, देखिए ब्रिम्ड का मतलब होता है ब्रिम, समझते हो, जैसे एगो पॉट है, ठीक है, एगो गिलास है, इसको यहां तक पानी भर दिए, किसी को दोगे तो यहीं फेंक दोगे, और एगो पानी तुमको ऐसे भर देगा, ये पानी क्या हो गया, लबालब भर गया, लबालब भरना ना बोलते हैं, लबालब जब बाल्टी लबालब भर गया तो बाल्टी जिरीस छोड़ दीजिएगा एक उंगरी तो पानी गिरेगा नहीं, अब पूरे एकदम भर लीजिएगा तो छलकेगा, नहीं छलकता है, तो इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ब्रिब्ड, लबालब भरना। तो कह रहा है कि समर में उसका जो सेल है, जैसे मधुमक्खी है मान लीजिए जाए, मधुमक्खी का ही छत्ता है, तो ऑटमन सीजन में इतना फूल रहे, इतना फूल रहे कि इसका रस इस पर बैठे मधुमक्खी, और रस उठा उठा के दम क्या करे, भर दे अपने सेल्स को, अपने छत्ता को भर दे, ताकि गर्मी में उसका छत्ता का शहद खत्म ना हो, और उसी को अपना खाते रहे, उसी से अपना अपना गर्मी क्या करे, काट ले। इतना फूल पैदा करना चाहता है कौन, ऑटमन, है ना, ये बता रहा है। देखिए अगला में कह रहा है कि हु हैज, देखिए पुराने जमाने में हैज को हैज कहा जाता था, याद रखेंगे, और इसको दा पढ़ते हैं, इसको ऑफेन पढ़ते हैं, ठीक है, आइए, इसको एमिड का मतलब होता है बीच में, दाई का मतलब होता है योर, क्या होता है जी, योर, ये दसवां में भी हम चर्चा कर चुके थे, ओल्ड इंग्लिश में इसी प्रकार से लिखा जाता था, मॉडर्न में ये सब चीज़ें क्या हो गई, बदल गई, तो ये लोग पुराने लेखक है तो पुराना यूज करता था। करा हु हैज नॉट सीन द ऑफेन एमिड योर, करा है कि तुम्हारा ये सब चीज कौन नहीं देखा है, सब कोई देख लिया है, तुम्हारे स्टोर को, है ना, कौन नहीं देखा है, आप देखिएगा कि जब अनाज कटता है तो हम उसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, नहीं करते हैं स्टोर जी, तो कह रहा है कि तुमको कौन नहीं देखा स्टोर होते हुए, तुम इस ऑटमन सीजन को स्टोर करते हुए, जैसे अगर धाने कट गया तो धान जो है स्टोर होकर कहाँ रखा गया, रखा गया ना, रखा गया, तो ये इसको भी ऑटमन सीजन ही माना है, स्टोर को भी ऑटमन सीजन ही माना है, और कह रहा समटाइम्स ओवर सिक्स एब्रोड में फाइंड, कभी तुमको इधर उधर भी देखा जा सकता है, ठंडा के ऋतु में जब आप चलिएगा तो खेतों में आपको धान कटे हुए गिरे हुए मिल जाएंगे, काट काट के क्या किया है, छोड़ दिया है, ये विंटर सीजन की पहचान है, ये ऑटमन सीजन की पहचान है, इसका मतलब आदमी समझता है ये ऑटमन सीजन है, तो ऑटमन सीजन को एक फसल के रूप में भी दिखा दिया है कि ऑटमन तो एक कोहरा आ रहा है तो ऑटमन है, जो फसल कटा रहा है और जमीन पर रखा रहा है वो भी एक तरह का क्या है, ऑटमन है। तो कह रहा है दिस सीटिंग केयरलेस ऑन ग्रैनी फ्लोर, और हम इस मौसम को बैठे हुए देख सकते हैं बेपरवाह की तरह, लापरवाह की तरह, एक फ्लोर में, ग्रैनी का मतलब होता है अनाज, जहाँ खूब अनाज पड़ा हो वहाँ पर भी इस मौसम को हम देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ ये समझिए, ये मौसम तो देखिए, मौसम को कोई देख सकता है क्या, पहले ही बताइएगा, मौसम क्या करने का चीज़ है, महसूस करने का चीज़, अनुभव करने का चीज़ है, अरे ठंडा हमको लग रहा है ये अनुभव हो रहा है, देख रहे हैं क्या, गर्मी हमको लग रहा है ये अनुभव हो रहा है, तो अगर तुमको अभी मान लिया जाए बाजार जाओ, और बाजार जाओगे तरबूज देख रहे हो कहीं पर, या कहीं टीवी में ही देख रहे हो कि तरबूज बिक रहा है किसी इलाके में, खाली लोग तरबूज खा रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चलेगा, गर्मी का मौसम है, यही ना चलेगा। तो फसलों, धान के कटे हुए आपको पौधे मिलेंगे, कहीं पर धान का भंडार मिलेगा,
फूलों का पूरा भंडार मिलेगा, स्टोर मिलेगा, तो आपके दिमाग में एक ही चलेगा कि ये कौन सा सीजन है, ऑटमन सीजन। ये फीलिंग की बात बता रहा है, और ऑटमन को एक स्त्री के रूप में भी बताया है। लेखक बोला है कि क्या है, स्त्री है ना, और कह रहा है ये अनाजों के ढेर पर हमको बैठे हुए मिल जाता है, ये मौसम लापरवाह की तरह ये बैठी हुई मिल जाती है, और इसको लड़की माना है, और कह रहा उसके जो बाल हैं वो उठ गए हैं। लड़की जब हवा चलेगा ना तो धान धीरे धीरे उड़ता है, तो कह रहा है कि उस सीजन को वो लड़की भी मान दिया है। दूसरे पारा तीसरे पैराग्राफ में बोला ये क्या है, लड़की है, और इसके जो बाल हैं हवा से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। विनोइंग, विनोइंग का मतलब होता है हवा का झोंका। क्या होता है, हवा का झोंका, मतलब इस मौसम की खूब बड़ाई कर रहा है, खूब चर्चा कर रहा है कि मौसम बहुत अच्छा है। एक तो फूल भर जाता है, फल पूरा हो जाता है ना, मौसम देखने में काफ़ी सुहावना होता है, अच्छा लगता है। इसीलिए कवि जो कहता है, इसकी बड़ाई करता है, इसके बारे में बताता है, करा और ऑन ए हाल्फ रिप फर्रोज साउंड ए स्लिप। और इस मौसम में आपको इसका साउंड भी मिलेगा। आप गर्म ठंडा के दिन में बैठिएगा तो, या खेतों के पास बैठिए जब फसल उसल रहेगा, साय 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 की आवाज़ आती है, तो इसका अपना एक साउंड है, अपना साउंड है ना। ड्रोज विथ फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज बोलते हैं किसको, अफीम को, और इस मौसम में अफीम जैसा, फ्यूम का मतलब नशा है, अफीम जैसा नशा है, और उसको लेके आदमी लगेगा सूत जाता है, है ना। स्पेयर नेक स्वेत ऑल इट्स ट्विन फ्लावर, खूब ज़्यादा फूल उग जाते हैं, एंड समटाइम लाइक ग्लीनर, दाऊ दाऊ देखो बोलते हैं यू को, और दोस्त बोलते हैं डू को, कीप, और सम टाइम मतलब कभी कभी हम इन फलों को इकट्ठा करते हैं, उसको साफ करते हैं, और उसका कई चीज़ों में उपयोग भी करते हैं, ऐसा लेखक क्या करते हैं बताते हैं। देखिए कारा, स्टडी फिर दाई का मतलब क्या हो जाएगा, योर, एंड लैड इन हेड एक्रॉस ए ब्रुक, कह रहा है ये मौसम ऐसा है कि समझ जाइए जैसे नदी पानी नहीं भरा हुआ रहता है उसमें वर्षा ऋतु में, वैसे ही ये पूरा भरा रहता है, इसमें फल फूल ज़्यादा उग जाते हैं। और साइडर प्रेस बोलते हैं एक मशीन को जिससे फलों का रस निकाला जाता है, उस साइडर प्रेस में भी यहाँ पूरा काम होता है, और इस मौसम में लोग साइडर प्रेस लगा लेते हैं और उसका रस निकाल निकाल कर पैकेट बना बना कर क्या करते हैं, बेचते हैं। तो ये मौसम बहुत अच्छा है। वॉचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर बाई आवर्स, आप इसको घंटों घंटों बैठ के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और आगे देखिए। देन इन वेलफुल क्योर अ स्मॉल गैंट्स मोर्न, आप इस मौसम में छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो क्योर शोर मचाते हैं, मोर्न का मतलब हल्ला करते हैं, शोक करते हैं, उसका आवाज़ भी सुनकर आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। एमोंग द रिवर सैलोज, नदियों में घास वगैरह होते हैं, बॉर्न लोफ्ट सिंकिंग एज लाइट विंड लिप्स एंड डाइज, है ना, जैसे कोई चीज़ डूबता है, उठता है हल्का चीज़, वैसे ही ये सिंकिंग मतलब होता है, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, और डूबता कौन चीज़ है, हल्का चीज़। तो मौसम को ये हल्का बताया है, और बताया है कि ये मौसम जैसे नदियाँ का लहर उठती है और नीचे गिरती है, वैसा ही मौसम है, इसका आप आनंद ले सकते हैं। फुल ग्रोन एंड लैम्प्स, लैम्प्स बोलते हैं मेमना को, किसको बोलते हैं, मेमना को, और ये जो मेमना है ये भी गाती है, कहाँ गाती है, हिल्ली बॉर्न, जब वो शाम को पहाड़ियों से उतरती है तो उसके आवाज़ भी मेमे भेमे जो भी होता है उसको आता है, और लेखक को सुनकर बड़ा क्या लगता है, अच्छा लगता है। देखिए कह रहा है लास्ट में इस मौसम के बारे में और बड़ाई करता है, हेज, देखिए ये है हेज, नहीं ये क्रिकेट है, हेज क्रिकेट सिंग, झिंगूर क्या करते हैं, गाते हैं। नाउ विथ ट्रेवल शॉट, बहुत आराम से उसका साउंड भी एकदम मध्यम लगता है। द रेड ब्रेस्ट विसिल, रेड ब्रेस्ट देखिए ये चिड़िया है, इस वाला भाग क्या रहेगा, लाल रहेगा, कोई चिड़िया देखिएगा उसका ये वाला भाग क्या रहेगा, लाल, तो उस चिड़िया को हम बोलते हैं रेड ब्रेस्ट, वो अलग चिड़िया है, रॉबिन चिड़िया भी उसको कहते हैं। फ्रॉम गार्डन, आप बगीचों में देखिएगा, गैदरिंग स्लोली ट्विटर इन द स्काई, और पक्षियों को चहचहाते हुए आकाश में देखिएगा तो आपको देखने में बड़ी क्या लगेगा, आनंद लगेगा। यानी मोटा मोटी अगर हम देखें पूरे कविता में,
लेखक ने, कवि ने ऑटोमन सीजन की बड़ाई किया है और कहा ऑटोमन सीजन स्प्रिंग से कम नहीं है, इसके अपने गीत संगीत हैं, झिंगूर इसका गाता है, गाना गीत संगीत है इसका, अपना इसका आवाज़ है, सब चीज़ अपना है, फलों वाला मौसम है, फूलों वाला मौसम है, इससे बेहतर कुछ नहीं है, यही बताया है कवि ने।